हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी असल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A22 5G का अनबॉक्सिंग करके। दोस्तों, ये फोन आप अगर फ्लिपकार्ट से लेंगे, अगर आप ये अमेजोन से लेंगे तो आपको ये काफी महंगा पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये फोन मैंने लिया है क्रोमा स्टोर से, और क्रोमा से आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। वैसे मैंने ऑनलाइन ही बाई किया है, और ये फोन मुझे पड़ा 8GB रैम के साथ 128GB मात्र 18,000 रुपए में। अगर आप ये अमेजोन से लेंगे, फ्लिपकार्ट से लेंगे, तो ये आपको 22,000 रुपए में मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज के साथ लेंगे तो फोन आपको पड़ेगा 17,999 रुपए। आइए दोस्तों, देखते हैं इस फोन में क्या क्या दिया गया है। बात कर ले दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो ये दोस्तों पूरी तरीके से पॉलीकार्बोनेट पे बनाई गई है। ये देख सकते हैं आप, कोई मेटल बॉडी इसमें नहीं दी गई है, और साइड में भी आप ये देखेंगे तो बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर इस बार पावर बटन पे माउंट मिल जाएगा, और दो वॉल्यूम के बटन दिए गए हैं। यहाँ पे सिम इजेक्ट ट्रे दी गई है, जिसमें कि दो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड आप लगा सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे नीचे के बारे में, तो मैं आपको दिखा देना, यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, ये सी टाइप का पोर्ट है, और दोस्तों यहाँ पे 3.5mm का जैक भी इस फोन में आपको मिलने वाला है। और फ्रंट में दोस्तों आपको एक सिंगल कैमरा मिलने वाला है, जो कि 16MP का है। अगर बात कर ले दोस्तों बैक कैमरे के बारे में, तो बैक कैमरे की जो फिनिशिंग दी गई है वो दोस्तों देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो लाइनिंग दी गई है इसकी, एक सिल्वर कलर की, ये देखने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। अगर बात कर ले दोस्तों इस फोन के बारे में, तो ये फोन बहुत ही जबरदस्त है, और इसका कैमरा जो दोस्तों है, टोटल 3 कैमरे दिए गए हैं LED फ्लैश के साथ। अगर बात करें रियर कैमरे के बारे में, तो 48MP का आपको रियर कैमरा मिलने वाला है, 5MP का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा, और 2MP का आपको माइक्रो कैमरा मिलेगा। और दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको 16MP का फ्रंट में भी मिलने वाला है। तो दोस्तों इस फोन की जो स्क्रीन की साइज है 6.6 इंच की साइज है। अगर बात करें दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें सैमसंग का ही प्रोसेसर दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसकी बैटरी बहुत ही जबरदस्त है, 5000mAh की बैटरी दी गई है। अगर बात करें दोस्तों इसके बैटरी बैकअप के बारे में, तो ये एक दिन पूरी तरीके से आराम से चार्ज करने के बाद चल जाता है। हालांकि इसकी चार्जिंग जो है स्पीड, 1 घंटे में बैटरी को 100% फुल चार्ज कर देता है। अगर बात कर ले दोस्तों यहाँ पे मैं और भी कुछ सेटिंग दिखाने वाला हूँ। ये हालांकि TFT डिस्प्ले है दोस्तों, लेकिन बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा है। 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको ये मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ इसकी रिफ्रेश रेट जो है वो, अगर आप बैटरी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो आप इसे कम कर सकते हैं। मैं आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे दोस्तों सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले सेटिंग में। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप जाएंगे मोशन सेटिंग में। ये देखिए मोशन सेटिंग में दिख रहा है, यहाँ पे हाई दिख रहा है आपको, ये है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और स्टैंडर्ड जो है ये दोस्तों 16Hz रिफ्रेश रेट के साथ। ये दोनों मैंने करके देखा था। गाइस, ये कुछ फोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि इसी कैमरे से लिया गया है, और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ फोटो आपको इंडोर का नजर आएगा, कुछ फोटो आउटडोर का, इसमें दोनों है। और इसका ब्लरिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया, देखिए कैसे ब्लर किया हुआ है, छोटे वाले में आपको दिख रहा है ये। और दोस्तों ये है आउटडोर का फोटो। तो दोस्तों इसके कैमरे की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही झकास है। तो दोस्तों ये कैमरा क्वालिटी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी जो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये मैं इसी कैमरे से किया हूँ, और इसकी कैमरे की क्वालिटी क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे और अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।